भगवान शिव के भक्त श्रावण मास में पवित्र नदी गंगा जी के जल को लाकर स्थानीय मंदिर के शिव भगवान की प्रतिमा पर श्रद्धा से गंगा जल अर्पण करते हैं। पुराणों के अनुसार सर्वप्रथम भगवान परशुराम जी द्वारा गंगा जल लाया गया था। प्रभु श्री राम एवं शिव भक्त रावण द्वारा भी कांवड़ के माध्यम से गंगा जल लाकर भगवान शिव को अर्पण किया गया था। इस परम्परा को ग्राम पंचायत गुडर के शिव भक्त पिछले अनेक वर्षों से ग्राम के शिव मंदिरों पर विराजमान भगवान शिव जी को गंगा जल से श्रावण के महीने में स्नान कराते हुए पुण्य लाभ प्राप्त करते आ रहे हैं। इस वर्ष भी ग्राम के 33 शिव भक्त गणों द्वारा शोरू जी से 1200 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा कर पवित्र गंगा जल लाकर सफलतापूर्वक संपन्न किया है। कांवड़ियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश योगी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में अनेक सुविधाएं प्रदान की है। ग्राम में आदिवासी समुदाय द्वारा नवीन शिवजी का मंदिर निर्माण किया गया था, उन पर गंगा जी का जल आज अर्पण किया जाएगा। शिव भक्तों की आस्था भगवान शिव के प्रति बढ़ती ही जा रही है। वीरनादवासी ग्राम गुड़र से कामल भरने के लिए शोरूम गए थे। यात्रा हमारी सफल रही। उत्तर प्रदेश में प्रशासन योगी सरकार का अच्छा सहयोग मिला। उत्तर प्रदेश पुलिस दोबारा अच्छे से आए, कोई दिक्कत नहीं हमारे के लिए। बढ़िया से बढ़िया हमारा अच्छा सम्मान हुआ, संस्कार हुआ अच्छे से। हम 14 दिन में आ गए। एक तरफ से 600 किलोमीटर दूरी पर रहती है यात्रा दूर गांव के लिए। धन्यवाद इसके लिए, धन्यवाद योगी सरकार के लिए धन्यवाद। बम बम भोले, बम बम भोले। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।